निर्भया गैंग रेप केस में दोषियों की क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने मंगलवार को खारिज कर दी है। निर्भया के 2 दोषियों विनय कुमार शर्मा और मुकेश सिंह की क्यूरेटिव याचिका दायर कर सजा में नरमी बरतने की अपील की थी। दोनों को मौत की सजा मिली है। इससे पहले 7 जनवरी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दोषी अक्षय कुमार, पवन गुप्ता, मुकेश सिंह और विनय शर्मा को डेथ वारंट जारी किया गया था। अदालत ने चारों दोषियों को एक साथ 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाने का आदेश दिया था। डेथ वारंट के बाद फांसी से घबराए 2 दोषियों मुकेश सिंह और विनय शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर की थी। बता दें कि तिहाड़ जेल में फांसी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रविवार को दोषियों की डमी को फांसी दी गई थी। ये पूरी प्रक्रिया फांसी से पहले की रिहर्सल मानी जाती है। इसके लिए पत्थरों और मलबे से चारों दोषियों की डमी उनके वजन के हिसाब से तैयार की गई थी। हालांकि इस प्रक्रिया के लिए जल्लाद नहीं बुलाया गया और जेल अधिकारियों ने ही इस प्रक्रिया को अंजाम दिया था। न्यूज डेस्क।